शुभांशी, वर्किंग एट गणेश डायग्नोस्टिक एज एमआरआई टेक्नीशियन। आज हम बात करेंगे एमआरआई ब्रेन के बारे में। डॉक्टर किन किन कारणों से हमें एमआरआई ब्रेन कराने के लिए रेफर करता है? हेडेक, वीकनेस, सीजर, सीवीए, ब्रेन हैमरेज, टीबी, ट्यूमर, ट्रॉमा, हार्मोनल इम्बैलेंस एक्सेट्रा। अब हम पेशेंट की प्रिपरेशन कराने के लिए उससे सबसे पहले कंसर्न फॉर्म फिल कराएंगे। उसमें हम पेशेंट को ये बताएंगे कि पेशेंट के पास कुछ भी मेटलिक ऑब्जेक्ट जैसे कॉइन, की कार्ड, मोबाइल फ़ोन, क्रेडिट कार्ड्स एक्सेट्रा, कुछ भी हम मैग्नेटिक फील्ड के पास नहीं लेके जा सकते हैं। पेशेंट को एमआरआई रूम में ले जाने से पहले हम पेशेंट के बारे में जान लेते हैं कि उसको कोई भी पेसमेकर इम्प्लांट तो नहीं है। अगर उसको पेसमेकर इम्प्लांट होता है तो उसका एमआरआई नहीं हो सकता है, अदरवाइज़ हम पेशेंट का एमआरआई कर सकते हैं। पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। ये एक पेनलेस और सेफ प्रोसीजर होता है। इसमें अप्रॉक्सीमेट 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। इसके बाद पेशेंट आराम से घर जा सकता है। अगर किसी भी पेशेंट को हेडेक, वर्टिगो या इससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो एमआरआई स्कैन करा सकते हैं। थैंक यू।